हेलो सब्सक्राइबर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो में भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल या पुट का ऑप्शन आपको दिया गया है। कॉल मतलब यहाँ पे आप बोलोगे ग्रीन में दिया है, पुट आपको यहाँ पे रेड में दिया है। जो भी सब्सक्राइबर्स यहाँ पे डेली ट्रेड करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, उन सभी को पता है कि कॉल या पुट का मतलब क्या है। लेकिन जो नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं उन सभी को पता नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कॉल मतलब क्या, पुट मतलब क्या, और साथ में ये जो डेल्टा एक्शन का जो प्लेटफॉर्म है, जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, इसमें और क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे बाय क्रिप्टो का ऑप्शन दिया गया है, मार्केट का ऑप्शन है, ट्रेड का ऑप्शन है, जैसे कि फ्यूचर्स हो, ऑप्शन हो, यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। ऑप्शन में आपको ऑप्शन चेन दी गई है। ऑप्शन चेन मतलब दोस्तों हम लोग उसे एनालाइज करते हैं कि कौन से लेवल पे कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, पुट राइटर बैठे हैं, और वो एनालाइज करने के बाद हम लोग एक जो है सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इन्वेस्ट में आपको क्या दिया गया है, इन्वेस्ट में आपको रोबो स्ट्रेटजीज है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज अप्लाइड है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी डिप्लॉय कर सकते हो। मैं आपको एक स्ट्रेटजी आज बताने वाला हूँ, वो चाहो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ऑफर्स में ऑलरेडी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे दी गए हैं, जैसे कि रेफर ऑफ फ्रेंड करने के बाद आपको $60 मिलने वाले, और अगर आप यहाँ पे सर्टन अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपको 10, 20 या 30% तक भी बोनस मिल सकता है। तो आपको अगर ये रिवॉर्ड चाहिए तो आपको सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप अकाउंट ओपन कीजिए और ये जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसका आप इस्तेमाल कीजिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कि ये कॉल या पुट का मतलब क्या है, ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉल हमारे लिए सही होने वाला है, ये पुट हमारे लिए सही होने वाला है। तो अभी हम लोग जाएंगे बिटकॉइन के चार्ट पे, और यहाँ पे हमने ओपन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ऑप्शन चेन ओपन की है। ठीक है, ऑप्शन चेन है बिटकॉइन की है। अगर आप चाहते हो तो आप इसे चेन भी कर सकते हो, इथेरियम की है, सोलाना है, बीएनबी है, एक्सआरपी है, आप चाहो तो कौन से भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे जो है कर सकते हो ऑप्शन चेन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो करंटली आप बोल सकते हो जो लेवल चल रही है बिटकॉइन की 16,590 के आसपास चल रही है, जो करंट चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपीज के गैप में, जैसे कि 15,300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 है, उसके बाद में 16,000 है, 16,100, 200, 300, 400, 500, ये कंटिन्यूस नीचे तक गया है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो 16,600 के आसपास जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे 16,600 की जो लेवल है वो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ये अपसाइड जो भी है ये इन द मनी है, और ये डाउनसाइड जो भी है ये इन द मनी है, और जो यहाँ पे व्हाइट में दिख रहा है आपको अपोजिट साइड में ये व्हाइट, ये आउट ऑफ द मनी है कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे ये कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों अभी बिटकॉइन चल रहा है 16,500 के आसपास, ठीक है, हमें लग रहा है सब डेटा एनालाइज करने के बाद, सब स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के बाद कि बिटकॉइन यहाँ से जो है 1,000 पॉइंट अपसाइड जा सकता है, मतलब 17,500 तक जा सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 16,600 या 16,700 या 800 या 900 या 17,000 तक का जो कॉल ऑप्शन है उनको बाय करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड जाएगा। लेकिन ऐसा अगर लग रहा है कि सब मार्केट एनालाइज करने के बाद मार्केट नीचे भी जा सकता है 15,000 के लेवल तक, तो हमें क्या करना है उस टाइम पे पुट बाय करना है। समझ में आकर दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अप जाने वाला है तो आपको कॉल बाय करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको पुट बाय करना पड़ता है। तो ये देखिए ये कॉल साइड का डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुट साइड का डेटा है, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे आपको दी गई है कि ये स्ट्राइक प्राइस तक ये जो है बिटकॉइन जा सकता है अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम लोग को लग रहा है कि बिटकॉइन जो है यहाँ से 17,000 तक जा सकता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 17,000 का जो है आप बोलोगे एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। देखिए 17,000 के लेवल कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिख के आया है सी मतलब कॉल। ठीक है, सी बिटकॉइन 17,000 की लेवल, और ये जो देख रहे हो ये 19/12/2022 ये डेट है, ये कोई नंबर नहीं है, ये डेट है, मतलब ये आज की एक्सपायरी है। आप चाहते हो तो यहाँ पे डेली एक्सपायरी भी ले सकते हो, ये वीकली एक्सपायरी भी यहाँ पे ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी ली है 25/11/2022, अगर हम लोग यहाँ पे पुट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यार देखिए पुट का यहाँ पे पी लिख के आएगा, पी बिटकॉइन
16 आ जाए 500 और यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है 25/11/2022, मतलब हम लोग यहाँ तक उसे होल्ड कर सकते हैं। डेली हमें क्या करना है, अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमें आज से आज ही वहाँ पे उसको क्या करना है, बेचना होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वीकली लेते हैं तो हम लोग इसे होल्ड कर सकते हैं 25 तारीख तक। आइडिया आ गया, क्लियर हो गया। ये डिफरेंस है पी और सी में, पी मतलब पुट और सी मतलब कॉल। तो सी के हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है, आपको बाय करना है, लॉन्ग या शॉर्ट करना है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे कितना मार्जिन लगेगा वो लिख के आया है। अगर आपको कितने लेवल पे बाय करना है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे 474 USDT के आसपास लगेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन द मनी बाई कर रहे हैं। कौन सा, 16,500 का इन द मनी बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा यहाँ पे जो है प्रीमियम्स लगने वाला है। अगर आप आउट ऑफ द मनी बाई करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीमियम्स काफी कम लगने वाले हैं। तो ये डेल्टा एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे आपको बाय और सेल ये देखिए करने का यहाँ पे ऑप्शन देता है। लेकिन सेल मिले आपको जो है 100% तक आपको मार्जिन दे देता है। कितना, 100% तक। अभी तक किसी और प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये किसी से कंपेयर भी नहीं कर पाएगा कि 100% तक हमें यहाँ पे मार्जिन मिल सकता है शॉर्ट सेल करने के लिए या सेल करने के लिए। तो ये काफी बढ़िया फ्यूचर है डेल्टा एक्सचेंज का, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपका जो एनालाइज है कि आपको लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से 500 या 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है, अगर आप सभी स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं डाउन साइड जा सकता है तो आप बाय साइड की कॉल ले सकते हो और वहां पे जो है प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि आपकी जो एनालाइज है वो यहाँ पे 100% सही होनी चाहिए। अगर आपकी एनालाइज यहाँ पे थोड़ी बहुत गिर जाती है या रॉन्ग हो जाती है तो आपको यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। तो यहाँ पे बाय और लॉन्ग के लिए आपको ये ऐसा करना है। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर के लिए आपको चार्ट चाहिए, और चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए ये फ्यूचर्स के लेवल से आप यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि 16,000 के लेवल से जो है अपसाइड जा सकता है माइट भी 17,000 तक, तो आप 17,000 का जो है फ्यूचर बाय कर सकते हो। और एक यहाँ पे एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी बाय करना है, इसके लिए भी मार्जिन आपको यहाँ पे ज्यादा ही लगने वाला है। और आप यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आपको यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू एक मार्जिन दिया जाएगा 100%, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो शॉर्ट सेल करने के लिए। तो यहाँ पे करंटली आप देख सकते हो 16,500 के लेवल के आसपास चल रहा है बिटकॉइन। और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो कैसी करनी है अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन में ये देखिए ऑप्शन में इजी ऑप्शन पे जाएंगे। ये इजी ऑप्शन क्या है, ठीक है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ऑप्शन चेन का आपको कैसे इस्तेमाल करना है तो इजी ऑप्शन का यहाँ पे हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपायरी हमको क्या करनी है 25 नवंबर की, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि 17,000 तक जा सकता है बिटकॉइन, तो हमें 17,000 पे क्लिक करना है, अबाव का यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, और फाइन ट्रेड करना है क्या। तो देखिए मुझे यहाँ पे जो है एक ट्रेड्स आइडिया आ गई है इजी ऑप्शंस में। देखिए 25 नवंबर का हम लोग अगर कॉल बाय करते हो तो मुझे मैक्सिमम इतना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम इतना लॉस भी हो सकता है, और बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन नीचे जा सकता है तो मैं 16,000 का यहाँ पे ले करूंगा, इधर ऑटोमेटिकली बिलो आ गया और मैं यहाँ पे फाइन ट्रेड कर दूंगा। तो फाइन ट्रेड में मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे, आइडियाज आ जाएंगे कि क्या मुझे बाय करना है, क्या मुझे सेल करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग जाएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होगी बिटकॉइन में। अगर आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करोगे तो आप यहाँ पे जो है स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, और स्कैल्पिंग करके करते जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, अगर यहाँ पे हम लोग आने वाले हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिटकॉइन के इस चार्ट पे, और यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है स्ट्रेटजी के लिए, खाली एक इंडिकेटर आपको यूज करना है जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। देखिए आपको यहाँ पे मैं उसकी सेटिंग बताता हूँ। सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे आना है, इनपुट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो टाइप है ये ट्रेडिशनल होता है उसको आपको कैमरीला करना है, और स्टाइल में आने के बाद आपको ये जो पी है S1 R1 S2 R2 इनको अनटिक करना है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए S3 R3 S4 R4, ठीक है। और चार्ट पे आने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए S3 R3 R3 R4 ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स है, ठीक है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये सपोर्ट है, और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है और यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट बना है। काफी सी सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी यहाँ पे बिटकॉइन इन लेवल के आसपास ट्रेड करेगा
चाहो तो वो सपोर्ट 3 हो या सपोर्ट 4 हो या रेजिस्टेंस 3 हो या रेजिस्टेंस 4 हो, हमें क्या करना है एज पर द ट्रेड वहां पे करना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें अपसाइड की कॉल लेनी है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें डाउनसाइड की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग 18 तारीख का डेटा देख रहे हैं और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो सपोर्ट 3 से इसने जो है रिजेक्शन लिया है। यहां से रिजेक्शन लेने के बाद इसने देखिए कैसे मूवमेंट दी, अपसाइड मूवमेंट दी, ठीक है। उसके बाद में इसने रेजिस्टेंस 3 को भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पे इसे ब्रेक करने के बाद इसकी जो जर्नी है वो कंटिन्यूस अपसाइड ही चली गई और R4 को ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन नहीं हुआ, ये थोड़ा यहाँ पे जो है घूमता रहा और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और अब याद रखिए जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, देखिए रेजिस्टेंस ये ब्रेक हो चुका है तो ये ब्रेक होने के बाद ये एज अ काम करेगा सपोर्ट का, क्या जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वो काम करेगा एज अ सपोर्ट का और जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो बाद में काम करने वाला है एज अ रेजिस्टेंस का। समझ में आया आपको, ये क्लियर है, ये एक लॉजिक है। आप बाद में भी किसी भी ट्रेडर का बारे में सुन सकते हो, वो भी ऐसे ही आपको बोलेगा कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है बाद में वो एज अ काम करता है सपोर्ट का और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो बाद में काम करता है एज अ रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे देखिए काफी टाइम इसी लेवल तक था, उसके बाद में फिर से जो है मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने मिली। तो आपको इन लेवल पे ही ट्रेड करना है, इन लेवल से आपको जो है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप बैक साइड भी चले जाओगे तो मैं आपको जो है एक दो दिन ऐसे दिखाऊंगा, देखो आपको काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये है 17 तारीख का डेटा, ये देखिए सपोर्ट पे इसने कितना अच्छा सपोर्ट लिया, ये देखिए सपोर्ट लिया यहाँ पे, देखिए अपसाइड मूवमेंट आई, फिर से यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर से देखिए कितना अच्छी मूवमेंट है और ये रेजिस्टेंस 3 तक पहुंचा ही नहीं, यहाँ पे स्ट्रगल करते रहा, फिर से जो है नीचे आ गया, कहाँ पे आ गया, फिर से सपोर्ट 3 पे आ गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड। तो ऐसे आपको ट्रेड काफी दिन में मिलते हैं, आप काफी यहाँ पे स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो, काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप चाहो तो इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो, पीछे जाके भी देख सकते हो कि कितने आपको ऐसे दिन में अपॉर्चुनिटी मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग थोड़ा बैक टेस्ट जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कभी का है, ये है 16 तारीख का, ठीक है, ये देखिए 16 तारीख का। तो यहाँ पे देखिए अपसाइड ऑलरेडी मोमेंट से नीचे आ चुका है बिटकॉइन, ये देखिए इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका है सपोर्ट 4 तक, फिर से सपोर्ट 4 से इसने अपसाइड मूवमेंट दी है, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो ये जो लेवल्स है ये आपको यहाँ पे एक गाइडेंस के थ्रू मिलती है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, फिर से यहाँ तक आ सकता है, फिर से यहाँ पर जा सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं कॉल या पुट। तो दोस्तों आपको कुछ भी डाउट्स होगा इन ट्रेडिंग को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके क्वेरीज का यहाँ पे जवाब डेफिनेटली दूंगा। हम लोग जल्दी आपको इस वीडियोस थ्रू लाइव ट्रेडिंग भी दिखाने वाले हैं, लेकिन तब तक आप ये जान लीजिए कि आपको ये क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे कॉल ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे पुट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और ये सब करने के बाद आपको राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो हमने यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको आज एक्सप्लेन की है, अगले वीडियो में हम लोग डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग जो है करके दिखाएंगे कि कैसे आपको बाय सेल करना है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीक विथ अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।